द्वारका जिला पुलिस ऑपरेशन वर्चस्व के तहत लगातार क्राइम क्रिमिनल पर दबिश बनाए हुए है। हमारे बहुत सारे प्रयासों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास ये होता है कि हमारे यहाँ जो इल्लीगल फॉरेन नेशनल्स रहते हैं उन पर दबिश बनाई जा सके, उनको डिपोर्ट कराया जा सके और अगर उनके पास कागजात हैं तो फॉरेन एक्ट में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। जो मकान मालिक उनको आश्रय देते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर उनको मकान दिलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। लगातार पिछले 40 दिनों में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैंने एक सेल की गठन की थी जिसका नाम कैफ रखा है हमने, सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स, जो ये इलीगल फॉरेनर्स को डिपोर्ट करती है और इनके खिलाफ जो मुकदमे बनते हैं वो कंसर्न थानों में करवाती है। पिछले 40 दिनों में लगभग हमने 200 लोग जो ये मुख्यतः जो नाइजीरिया के थे इनको या तो डिपोर्ट कराया है या नहीं तो इनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ है। और इनको जो रखने वाले लैंडलॉर्ड्स हैं और जो मकान दिलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है हमारे कैफ और एंटी नारकोटिक सेल को। इनको एक सूचना थी कि एक नाइजीरियन जिसका नाम ये रिवील हुआ है, नामदी इलियास अकाबूजे, ये सन ऑफ अकाबूजे उली अकवा नाइजीरिया का रहने वाला है, इसकी उम्र 35 साल है। हमें ये पता चला कि एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और मोहन गार्डन में कहीं ऑपरेट करता है। तो हमने एक डिकॉय प्लान बनाया, एसीपी विजय सिंह और सुभाष, एसआई सुभाष जो नारकोटिक सेल को देखते हैं और कैफ के भी इंचार्ज हैं, इन्होंने ट्रैप बनाकर इस नाइजीरियन को पकड़ा है। इसके से जो रिकवर हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये फाइन क्वालिटी ऑफ 513 ग्राम हीरोइन है जिसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस लगभग 5,13,00,000 रुपए के लगभग है। और ये एक बड़ी सफलता है कि ये जो नाइजीरियन है ये इलीगली विदाउट पासपोर्ट वीज़ा ये बांग्लादेश के रूट से घुसा था और अब हम इसके सोर्सेज पे काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से इतनी बड़ी कंसाइनमेंट ऑफ हीरोइन लेके आ रहा था इस और कहाँ कहाँ इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे।